मैं इधर सोयू पठान, मोहम्मद ओयू पठान का बेटा हूँ। हम बिलोंग करते हैं डिस्ट्रिक्ट बड़गाम से, तहसील बीरवा, गुंदीपुरा एक गांव है, उसी का मसला यह है सर। वो हमारा बाप दिल्ली गया, बिल्कुल इनोसेंट है, इसलिए दिल्ली गया, वहाँ से कुछ उसको खरीदना था अपने कारोबार के लिए और अपने मकान और अपने घर के लिए। उसी सिलसिले में वो दिल्ली गया, वो बिल्कुल इनोसेंट है। हम उसके साथ अप टू डेट थे फ़ोन पे, बिल्कुल परसों 10 बजे तक हम फ़ोन कर, 4 तारीख को वो घर से निकला, 4 तारीख को घर से निकला, एक बस सैटरडे को वो घर से निकला, 4 तारीख था उसको, 4 दिसंबर 2020, बिल्कुल वो घर से निकला अच्छी तरीके से। हम कल नहीं, कल मंडे था, बिल्कुल संडे के 10 बजे तक हम उसके अप टू डेट थे, बिल्कुल फ़ोन पे बात कर रहे थे। फिर वहाँ से फ़ोन स्विच ऑफ आया, फिर उसका फ़ोन डिस्कनेक्ट आया। कल सुबह न्यूज़ आई थी, बिल्कुल हमारे गांव वाले ने सुना था मोहम्मद अयूब पठान, उन्होंने बोला था कोई और होगा, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के बहुत सारे मोहम्मद अयूब पठान हैं, क्या पता यही होगा या नहीं होगा। फिर जब 12 बजे फेसबुक सोशल मीडिया पे उसका फ़ोटो आया, उसकी तस्वीर, उन तीनों की तस्वीर आई, बिल्कुल लगा पहले लिखा था इनकाउंटर में शहीद किया गया। फिर हम बिल्कुल हमारी हालत वो हुई जो बताए के लायक नहीं है। फिर एक ही घंटे में 6 स्टेटमेंट आया, पहले बोला रिकवरी है, फिर बोला कोई ड्रग एडिक्टर है, ये बिल्कुल ड्रामाबाजी है। मैं कैटेगोरिकली कहता हूँ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से, अपने गवर्नर साहब से, दिल्ली पुलिस से, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन से, सेंट्रल सरकार से, जो वहाँ के बिल्कुल प्रेस नोट्स आए वो कैटेगोरिकली झूठ है, वहाँ का मीडिया बिल्कुल गलत है, गंदी बातें कर रहे, वो कुछ नहीं है, वो एक सिविलियन है, अपनी आम जिंदगी गुजार रहे हमारे बहनों के साथ, हमें से, हमारी माँ के साथ, हमारे वो कर रहे काम, अपना बैंड साथ चला रहा, वो लकड़ी का मशीन वही चल रहा, जनरल मिलीज है, छोटा सा कारोबार है, उसी के सिलसिले वो दिल्ली गया। वो बिल्कुल कुछ एजेंसी को नहीं जानता है। हम बिल्कुल अपनी रोटी मकान और कपड़ा हम बिल्कुल अच्छे तरीके से चला रहा था, किसी तंजीम से वाबस्त नहीं। मैं कहता मैं बस हमारी मांग ये है, जस्टिस चाहे, इंसाफ चाहे, उसको फ्रीडम चाहे, और कम से कम वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस उसके साथ बात किया जाए, इन तीनों को रिहा किया जाए, हम देखते वो जिंदा है, यानी जब तक इनको रिहा नहीं किया जाएगा तब तक उसका बेटा अपना घर नहीं जाएगा। बिल्कुल पार्लियामेंट के सामने मैं भी जाऊंगा इस प्रोटेस्ट के जरिए से, इस आपके चैनल की वसादतों के जरिए से, हमें रिहा मिलना चाहे, हमें जस्टिस मिलना चाहे, उसको रिहा किया जाए। प्लीज़ प्लीज़ मैं अपने गवर्नर साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से पुरजोर अपील करता हूँ, अपने हाथ जोड़ के उसके कहता हूँ ताकि हमारे बाप को रिहा किया जाए।